तो हम दिवाली का माहौल देखने के लिए ना हम लोग बाहर निकले थे, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे हम लोग जाने वाले थे सावली मेरा ससुर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आए हैं सावली में और मेरे हाय। तो सावली में आए हैं आज हम, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है। आज अमावस है तो हम लोग यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं, और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे मंदिर का डेकोरेशन कितना अच्छा किया हुआ है। यहाँ शाम को सब पूजा रखी हुई थी तो हम लोग इधर आए हुए थे, और ये हमारे घर के बिल्कुल सामने है ये वाला मंदिर। मैंने पहले दिखाया है लेकिन फिर भी मैं अभी डेकोरेशन दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो आप देख रहे हो ना कितने अच्छे से दिए सजाए हैं, दिए से और ऊपर सीरीज की लाइटिंग्स बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था। और ना पिंक और पर्पल का एकदम फ्लैश नीचे जो रिफ्लेक्शन आ रहा था ना, तो उससे बहुत ही अच्छे से फोटोज भी आ रही थी। यहाँ पे बहुत सारी क्लिक भी करी हम लोगों ने, और अभी जस्ट हवन हुआ, कंप्लीट हुआ हवन की पूजा, तो सब लोग यहाँ से चले गए। तो मैंने सोचा लाओ आप लोगों को सब डेकोरेशन दिखा देती हूँ। तो जैसे मैंने बताया ना, ये बहुत ही अच्छे से लाइटिंग्स लगाई हुई है, बहुत ही मस्त लग रहा था गाइस। और ये डेकोरेशन की वजह से ना चार चांद लग गए थे पूरे मंदिर में, और आज काली ये मंदिर काली माता का है, तो आज तो काली चौदश के दिन यहाँ पे तो सेलिब्रेशन बनता है। और ना हम हर अमावस पे यहाँ पे आने का ट्राई करते हैं, जब तक हो सकता है ना हम लोग यहाँ आ ही जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा फंक्शन जैसा मतलब ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे पूजा होती है अमावस की, और हवन में जिन लोगों को बैठना रहता है ना उन लोगों का नाम पहले से फिक्स रहता है, तो ये सब होता है यहाँ पे, तो बड़ा मजा आता है। हर टाइम तो बहुत ज्यादा पब्लिक आती है, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना इस टाइम तो बहुत ही कम लोग इकट्ठा हुए थे। हर सो गाइज स्पेशल थैंक्स टू मनीष, बिकॉज आधे से वीडियो उन्होंने शूट करी है, और मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं चली गई थी वहाँ से। तो थैंक यू, और हम लोगों को इतना अच्छा डेकोरेशन दिखाने के लिए, राइट। सो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे ना हम हर टाइम पे होता है ये ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पे जो प्रसादी का जो खाना होता है वही अभी होने जा रहा है, तो बस इसीलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। तो उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गरबा क्यों कर रहे हैं दिवाली में, तो हम लोग जब भी इकट्ठा होते हैं गरबा करते हैं, डांस करते हैं, या फिर घर में रहते हैं तो कैरम खेलते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ हम कर ही लेते। तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने गरबा करके, क्योंकि नवरात्रि में तो मिला नहीं उतना गरबा करने के लिए, तो हम लोगों ने खुद से ही कर लिया गरबा। अंकल थोड़ा करवाने को लग गरबा लविया गायो।